Good morning. So today we'll take up the next topic: feature articles and interview. So this exam, exam, it'll be a 12-mark question and you'll be given a choice. Ya to feature article, interview question. Alright, so let's get down to it. Feature article. So feature article is you know any article on a particular topic, person, trend, event, etc. in a newspaper or a magazine that goes in depth, you know. जैसे जो पिछले बार हम बात करते फॉर इंस्टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो उसमें क्या था मैक्सिमम इंफॉमेशन मिनिमम वर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड ओनली फैक्ट्स राइट योर रिपोर्टिंग फ़ीचर आर्टिकल थोड़ा उससे अलग होता है जैसे इट गोज़ बियॉन्ड फैक्ट्स वो इश्यूज में जाएगा ओपिनियंस में जाएगा एक्सपीरियंसेस आइडियाज़ यू नो सो इसीलिए उसे थोड़ा क्या है फीचर आर्टिकल्स को हम सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं जैसे कि क्या है किसी सेलिब्रिटी किसी फेमस इंसान का आपने एक उनकी जीवनी प्रोफाइल किया है या फिर कोई कुछ अलग घट के काम कर रहा है कहीं पे उसके बारे में या किसी क्या है ट्रैवल स्टोरी एंड थिंग्स लाइक दैट यू नो जो बेसिकली जैसे जो आप अगर न्यूज़पेपर में देखें तो जैसे जो संडे को जिस तरह के फी, न्यूज़ फीचर्स आते हैं आर्टिकल्स आते हैं या फिर एक जो एक सर्टन पेजेस में है ना, वो किसी जगह के बारे में किसी अनुभव के बारे में बता रहे हैं या फिर किसी टॉपिक पे किसी की क्या है ओपिनियंस धारणाएं दे रहे हैं ये सब फीचर आर्टिकल्स में गिना जाता है सो फॉर इंस्टेंस यू नो तो वही है जैसे अब जब आप अगर टीवी न्यूज़ देख रहे हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फॉर इंस्टेंस बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल में क्या क्या कदम लिए और उनका क्या परिणाम रहा और फैक्ट्स के साथ यू नो प्रॉपर ट्रूथफुल एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स दैट इज़ न्यूज़ हाउएवर लेकिन अगर आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये जो मंत्री लोगों को क्या अच्छा खाने को लगता है या फिर उन्हें क्या पहनना अच्छा लगता है या फिर उन्होंने अपने पिछले हॉलीडे में जाके किया किया दैट इज़ नॉट न्यूज़ राइट सो लर्न टू सी दीज डिफरेंसेज क्योंकि क्या है हमारी दुनिया खास करके वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज यू नो पूरी दुनिया इन्फॉर्मेशन से चलती है एंड द पावर्स जो है जो इट लाइक यू नो हमें मैनिपुलेट हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है ये थ्रू दीज चैनल चाहे वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप हो टी वी हो रेडियो हो या न्यूज़ पेपर्स हो सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ आई टोल्ड यू बारह मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको या तो फीचर्स या इंटरव्यू आप कीजिए अगर आप फीचर्स की तरफ जा रहे हैं सो यू नो यू विल बी आज टू ई डिफाइन डिफाइन अ फीचर आर्टिकल इज जो इससे पहले हमने बात किया तो आपको फीचर आर्टिकल के पूरे बारे में पूछा जाएगा और यू विल बी आस्ट टू राइट वन टू थ्री अ गिवन टॉपिक या थीम कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा सो इन दैट वे यू कैन ऑलमोस्ट रीट इट लाइक पैराग्राफ राइटिंग जिसपे हमने पहले बात की है एज ऑलवेज यू नो थिंक ऑफ ऑल द पॉइंट्स कोई भी आपको एक टॉपिक दिया है जैसे मान लीजिए कुछ भी द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन भरमौर भरमौर में एजुकेशन की हालत तो उस पर क्या है थिंक ऑफ ऑल द पॉइंट दैट यू विश टू मेक सिक्स डब्ल्यूज़ याद कीजिए और उसको फिर क्या है एक सीकुंस में अरेंज कीजिए बिगनिंग मिडल एंड फर्स्ट सेंटेंस आपके आइडिया या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड यू लास्ट सेंटेंस टू प्रोवाइड लॉजिकल कंक्लूजन निष्कर्ष निकालेगा जो भी इससे पहले जो आपने बातें की है उनसे एक निष्कर्ष निकलेगा सेंटेंसेस <laughs> और आइडियाज़ का क्या एक फ्लो होना चाहिए ये नहीं कि आप अभी क्या है इधर की बात कर रहे और एकदम से वहाँ पहुँच गए नहीं देर हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल फ्लो टू बोथ योर लैंग्वेज एंड योर आइडियाज एंड स्टिक टू द वर्ल्ड लिमिट क्योंकि याद रखिए ये जो फीचर्स वगैरह क्या है न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं और न्यूज़पेपर में स्पेस बहुत ज़रूरी होती है अगर इतने इतना स्पेस आपको क्या है आपके आर्टिकल के लिए दे रहे हैं उसका ये मतलब है कि उतनी स्पेस वो किसी और को दे सकते थे या किसी एडवर्टाइज़र को दे सकते थे सो स्टिक टू द वर्ल्ड लिमिट एंड एक आपको क्या है Uh, आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं राइट अ फीचर आर्टिकल अबाउट मणिमेश यात्रा और एनी अदर फेस्टिवल और मेला सेलिब्रेटेड अराउंड यू ठीक है जो भी आपके अगर गांव में भी कुछ मेला या कुछ होता है उसके बारे में एक फीचर लिखिए या फिर मणिमेश यात्रा एंड एज अ सैम्पल आई एम शेयरिंग दिस फीचर फॉर यू इसका क्या है नो योर इन्फॉर्मेशन सोर्स बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ आ रही है उसका सोर्स जानिए तो इसमें यही जो मैं पहले भी आपको अभी थोड़ी देर में बात कर रहा था सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस यूनो टॉक अबाउट कि क्या है हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है फोन के द्वारा और बट इसी लिए क्या है क्योंकि इतनी ज़्यादा ये बाढ़ आ रही है इन्फॉर्मेशन की वी मस्ट बी वेरी श्योर कि, sure कि कहाँ से हमें ये सूचना मिल रही है अगर बस सिंपली व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ लिख दिया और आपको मैसेज आ गया तो प्लीज़ उसे हकीकत मान मत मानिए और इनफैक्ट अब तो ऐसे टाइम अगर आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आप अब तो ऐसे टाइम आ रहे हैं कि जो टी पे न्यूज़ में दिखा रहे हैं उस पर भी ज़्यादा विश्वास मत कीजिए यू नो लर्न टू मेक द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस तथ्य और क्या है धारणाओं में बहुत फ़र्क होता है जैसे तथ्य तथ्य रियलिटी है ट्रूथ है धारणाएँ है तो क्या है सबके पास अपनी होती है एक ही चीज़ को देखकर आप क्या है दस अलग अलग दस लोग अलग अलग दस धारणाएं बना सकते हैं सो दैट इज़ वॉट दिस फीचर इज अबाउट एज यू कैन सी आई डिवाइडेड इंटू थ्री पैराग्राफ्स शुरुआत में मैं आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सेकेंड में उसको मैं एक्सपैंड करता हूँ एंड फाइनली इन दी एंड आई गिव अ कंक्लूजन ठीक है सो गो थ्रू दिस एंड दिस इज़ योर फीचर आर्टिकल And now let's talk about the interview. It's a very important sort of a topic because क्या है ये चीज़ beyond exams, beyond college ये आपको क्या है आगे भी बहुत काम आएगी सो इन जनरल सेंस वॉट डज एन इंटरव्यू मीन इट्स अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पार्टीज विद द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी बातचीत दो पार्टीज के बीच में चाहे वो एक, -एक इंसान हो या ग्रुप हो जैसा भी विद द पर्पज़ ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बट मोर स्पेसिफिकली जब इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं वॉट डज कम टू आर माइंड कि हमारे दिमाग में क्या आता है अ फॉर्मल मीटिंग टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब कोर्स रेस प्रमोशन सो बेसिकली एक फॉर्मल मीटिंग जिसमें क्या है किसी भी कैंडिडेट की सूटेबिलिटी देखी जाएगी कि वो किसी जो भी एक जॉब या जो कोर्स कॉलेज में या जो भी दिया जा रहा है क्या उसके लिए वो सही है इंटरव्यूज़ और भी कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं आपको प्रमोशन चाहिए उसके लिए भी इंटरव्यू हो सकता है ट्रांसफ़र के लिए हो सकता है कहीं पे क्या है कुछ जांच चल रही है उसमें भी इंटरव्यू आपसे पूछताछ हो सकती है सो लॉट्स ऑफ दीज थिंग्स तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ़ ए जॉब इंटरव्यू टू बी वट एवर लाइक यू नो टू लर्न अबाउट दी एप्लीकेंट्स पर्सनैलिटी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस गोल्स कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स अचीवमेंट्स एट्सेट्रा स्पेशली इन सिमिलर काइंड ऑफ वर्क यानी कि क्या कि जो भी अगर आप एप्लीकेंट हैं आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपके क्या क्वालिफिकेशंस हैं आप किस तरह से बातचीत करते हैं आपके अचीवमेंट्स क्या है खास कर कि उस तरह का काम जो आपने पहले जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी टीचर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सो देन मेरा एक्सपीरियंस वो रेलिवेंट होगा कि जो कहाँ मैंने पहले पढ़ाया है या फिर इस तरह का रिसर्च काम किया है इससे पहले अगर मान लीजिए क्या है मैं आ, कार रेसर था सो दैट वोंट रियली हेल्प मी इन दिस प्रेजेंट इंटरव्यू फॉर जॉब एज अ टीचर राइट हाँ अगर क्या है ड्राइविंग टीचर के लिए करें देन इट विल मैटर सो दट द सेम टाइम दीकेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न अबाउट दर्गेनाइजेशन आप भी क्या है कोशिश कर रहे हो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑफर्ड जो पोजिशन है उसके बारे में जानने की क्या है क्या वॉट आर द प्रोज एंड कॉन्स यानी पॉजिटिव और निगेटिव क्या है इस जॉब के क्या क्या आपको मिलेगा वर्कस क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सो थिंग्स लाइक दैट अब आते हैं नेक्स्ट प्लानिंग एंड इंटरव्यू यू नो जैसे कि आप एक कंपनी में है और आपको एक इंटरव्यू प्लान करना है किसी जॉब के लिए सो यूजुअली एन इंटरव्यू इज़ प्री प्लान यू नो सब कुछ पहले से एक डिज़ाइन रहता है चाहे वो द काइंड ऑफ क्वेश्चन हो या फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंटरव्यू तो इवन वेरी प्रैक्टिकल डिटेल्स लाइक सीटिंग अरेंजमेंट कि कौन कहाँ बैठेगा इंटरव्यूर कहाँ बैठेगा इंटरव्यू ही कहाँ बैठेगा यू नो एंड द पर्पज़ ऑफ एन इंटरव्यू मस्ट भी क्लियर कि एग्जैक्टली exactly क्या है किस तरह के कैंडिडेट को आप ढूंढ रहे हैं किस पोजिशन के लिए क्यों और यू you नो know, कितना आप उसे दे सकते हैं सैलरी के टर्म्स में अगर अच्छा आपको अच्छा कैंडिडेट मिलता है सो ऑल ऑफ दिस शुड बी वेरी क्लियर इन द इंटरव्यूअर्स हैड बिफोर हैंड उसके बाद क्या है पहले ही आपको सीवीज़ और रेज्यूमे करिकुलम वाइट और रेज्यूमे जो आपके कोर्स में है दल बी आर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक दीज मस्ट बी कलेक्टेड जिसमें क्या है कैंडिडेट्स की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस ये सब कुछ दिया होगा ताकि ये सब का पर्पज़ क्या है यू कैन शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स कि मान लीजिए आपके जॉब के लिए अगर हंड्रेड पीपल हैव अप्लाइड तो उसमें से आप क्या है इंस्टेड ऑफ़ इंटरव्यूइंग ऑल दी हंड्रेड पीपल उसमें से आप क्या है बस दस लोगों को इंटरव्यू करेंगे जो आप उनके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे उनको आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे ठीक है एंड में चाहे आपको बस क्या है दो ही कैंड दो ही इम्प्लॉयी चाहिए लेकिन दस लोगों को आप बुला के इंटरव्यू लेंगे और उसमें से दो लोगों को निकालेंगे है ना और इसी क्या है इसी प्रोसेस के दौरान जब आप रेज्यूमेज देख रहे हैं यू कैन ऑल्सो जो शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स हैं आप उनके डिटेल्स भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसे क्योंकि रेज्यूमे में रेफरेंस भी दिए जाते हैं ज़्यादातर जैसे कि जहाँ मैं पहले काम कर रहा था अपने बॉस का फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस दिया होगा तो क्या है नेक्स्ट जो पर्सन है जो एम्प्लॉयर है वो मेरे बॉस से बात करके पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह का ये काम करता हूँ एटसेट्रा एट्ट्रा सो so, बाकी जो है क्या है यू you नो know, जो जो टोन ऑफ द इंटरव्यू बोलेंगे कि जो एक्चुअल जो इंटरव्यू जब चल रहा है वो कैसे डिसाइड होता है तो दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की कंपनी है क्या काम करती है किस तरह का जॉब ऑफर हो रहा है और पर्पज़ क्या है ठीक है सो फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो अगर किसी आप कंपनी में एज अ क्रिएटिव राइटर या फिर एज अ ड्राइवर आप जा रहे हैं तो शायद क्या है ड्रेसिंग और माहौल के मामले में इट विल बी मोर कैजुअल बट अगर आप कुछ ट्रेडिशनल डेस्क जॉब क्लरिकल या टेक्निकल जॉब के लिए किसी कॉर्पोरेट फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि गूगल फेसबुक ये सब व्हाट्सएप टाइप की कंपनियों में ये तो देन लाइक यू नो इट हेल्प्स टू बी इन अ मोर यू नो फॉर्मल एंड स्मार्ट सॉर्ट ऑफ एन एटमोस्फेयर तो बट ऐट द सेम टाइम इसी तरह का अगर जॉब आप किसी क्या है छोटी कंपनी स्टार्टअप में देख रहे हैं तो शायद वहाँ पर आप क्या है जीन्स और सैंडल्स पहन के भी जा सकते हैं सो ऑल ऑफ दीज यू नो कीप इन माइंड कि किस तरह का इंटरव्यू है किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं यू नो बट समथिंग्स मस्ट भी नोटेड क्या है कि इंटरव्यू मस्ट भी हेल्ड इन अ वेरी क्वाइट कम्फर्टेबल प्लेस जहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं होंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड अगर आपको खासकर इंटरव्यूअर को लग रहा है कि जो कैंडिडेट है बहुत ही थोड़ा नर्वस है सो यू कैन स्टार्ट बाई यू नो मेकिंग दम कंफर्टेबल आइस ब्रेकर्स बोलते हैं जैसे एक सिंपल सा जोक मार दिया या फिर यू नो स्मॉल टॉप की मौसम के बारे में बात कर ली या थोड़ी बहुत क्या है कैंडिडेट के गांव या फिर होम टाउन के, के बारे में बात की पर्सनल डिटेल्स के बारे में एंड ऑल्सो यू नो एंड कॉर्डली बी पोलाइट एंड नोट द नेचर ऑफ क्वेश्चन यानी आप किस तरह के सवाल पूछेंगे ओपन या क्लोज्ड ओपन सवाल वो होते जिसमें आप क्या है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव uh, वो तो थोड़ा ज़्यादा आप अपनी ओपिनियंस और जवाब दे सकते हैं क्लोज क्वेश्चन आर येस नो नो ट्रू फॉल्स टाइप के जिसमें क्या है एक सेंटेंस या एक शब्द में आप उनका आंसर दे सकते हैं फॉर इंस्टेंस इसीलिए यू नो वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो क्या है आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है सबसे पहले इज टेलस अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में कुछ बताइए क्योंकि उससे क्या है कैंडिडेट के आप धीरे धीरे क्या है उसके बारे में भी जान सकते हैं और एट द सेम टाइम ही कैन फील कम्फर्टेबल क्योंकि अपने बारे में बात करना फिर भी आसान है बाकी चीज़ों के बारे तुलना में राइट सो टेल इस अबाउट योर सेल्फ उसके बाद तो फिर कई जो है हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एट योर प्रीवियस जॉब है ना इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम कि हाँ हाउ मेनी ईयर्स डिड यू वर्क एट योर प्रीवियस जॉब आपको ये करना आता है रिपोर्ट बनाना आता है आप पूछे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पुराने जॉब में आप वहाँ क्या करते थे सो so, उनको क्या है इस तरह से कैंडिडेट को भी थोड़ा ज़्यादा बोलने का खुलने का मौका मिलता है अदरवाइज टिपिकल अदर क्वेश्चन का मेन लाइक हाँ कि वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस द टिपिकल जो है उसके बाद हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग सो ऑल ऑफ दिस यू नो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यू नो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना जैसे जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो जो आपका जो पहली जो धारणा बनती है उस इंसान के बारे में वो क्या है काफ़ी लास्ट तक रहती है अनलेस कुछ रास्टिक हो जाए है ना सो स्पेशली नो फिफ्टीन मिनट सिचुएशन अब 15-20 मिनट का टिपिकल इंटरव्यू होता है तो उसमें तो फिर फर्स्ट इंप्रेशन आर द लास्ट इंप्रेशन राइट और ये भी याद रखिए कि इंटरव्यूअर जो है अब हम क्या है कैंडिडेट के नज़रिए से बात करें तो ये भी याद रखिए कि इंटरव्यूअर जो है वो भी इंसान है वो भी परफेक्टली ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तो हो नहीं सकते सो so, अगर तो वही बात है कि चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स ग्रेड्स आपका एक्सपीरियंस सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी क्या है इंटरव्यूअर अगर आपके वेशभूषा पे भी ध्यान देंगे कि आपके नाखून कैसे हैं आपका हेयर स्टाइल कैसा है और क्या है वही अगर आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में इफ़ यू गो इन विद लाइक यू नो फटी हुई जीन्स या फिर किसी टी शर्ट में तो ऑब्वियसली शायद आपको वो जॉब ना मिले तो इसीलिए ऐसे ट्रेडिशनल इंटरव्यूज ऐसे कंपनीज़ में खासकर उसमें तो क्या है आप बिल्कुल भी बिल्कुल ही बिल्कुल सिंपल स्मार्ट फॉर्मल्स में जाइए जैसे लड़कों के लिए शर्ट पैंट हो गई शेव करके बाल थोड़े अच्छे से बना के ये ना ये नहीं कि ऐसी घोंसला बना के आ गया सिमिलरली विद गर्ल्स यू नो यू कैन ऑल्सो वेयर स्मार्ट फॉर्मल्स शर्ट स्कर्ट पैंट्स इवन या फिर क्या है साड़ी एलिगेंट एंड सटल यो ये नहीं कि ओवर द टॉप ये नहीं कि कुछ बिल्कुल ब्राइट न ही हरा पीला लाल रंग का कुछ पहन कर आप जा रहे हैं कुछ भी ऐसा मत पहनी जो कि क्या है कुछ ज़्यादा ही अटेंशन ग्रैबिंग हो या तो आपकी कोई क्या है टी शर्ट या शर्ट पहनी जिसमें कुछ बड़ा सा कुछ लिखा है या डिजाइन बना है नहीं सिंपल शर्ट पैंट उस तरह का जो you know. और क्या है क्योंकि क्या है कपड़ों से बहुत कुछ झलकता है आपकी क्या है किस लेवल ऑफ़ एजुकेशन कल्चर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बड़े बहुत चीज़ें इसमें झलकती है तो इसलिए क्या है बट इसका ये भी मतलब है कि क्या है आप इन चीज़ों को ट्रिक भी कर सकते हैं चाहे आप नॉर्मली क्या है हमेशा पजामे में बैठते हैं लेकिन क्या इंटरव्यू के दिन आप एक शर्ट पैंट डालिए थोड़ा तेल लगा के कंगी कर लीजिए और पहुंच जाइए यू नो इट्स वेरी इजी दैट वे तो ये भी याद रखिए दोनों दो, दो पहलू होते हैं हर चीज़ के ना तो बॉ और दूसरा क्या है तो वही है स्मार्ट कैजुल्स एंड ऑल और इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन एन इंटरव्यू यू नो तो जब भी आप क्या है एक स्माइल रखिए अपने मुंह पे बिल्कुल अच्छे से बात कीजिए पोलाइट रहिए और काम रहिए नो बॉडी लैंग्वेजेज़ की आपकी भी और इंटरव्यूअर की इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखिए कि अगर आप ज़्यादा बोल रहे हो और आपको लग रहा है वो बोर हो रहे हैं तो थोड़ा कुछ ट्विस्ट लाइए और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान रखिए नो यू शुडन बी नर्वस कभी हिल रहे हैं इधर उधर ये वो हो रहा है आपकी आँखें इधर उधर जा रही है डिस्ट्रैक्टेड नो बी काम बी कॉन्फिडेंट बिल्कुल एकाग्र हो के शरीर और दिमाग आपका रहना चाहिए ठीक है क्योंकि और अगर आप चाहे अंदर से नर्वस भी है तो कॉन्फिडेंट हो रहे कॉन्फिडेंस का नाटक कर लीजिए और अगर आप ये नाटक करते रहेंगे धीरे धीरे आप अपने आप क्या है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ठीक है सो दीज आर लिटल ट्रिक्स दैट यू कैन यू नो क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करें तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा एंड आप फर्क पड़ता है इन चीज़ों का और अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए एक और क्या कर सकते हैं आप बी प्रिपेयर्ड बेसिकली यू नो डू योर होमवर्क कंपनी की वेबसाइट पे देखिए अपना जो जॉब रोल ऑफर हो रहा है उसके बारे में रिसर्च कीजिए प्रैक्टिस इंटरव्यू कीजिए अपने से या किसी मित्र के साथ यू you नो know, इन सब चीज़ों से अगर आप प्रिपेयर्ड है यू वल ऑटोमेटिकली फील मोर कॉन्फिडेंट ऊपर से देन यू ड्रेस स्मार्ट इन फॉर्मल्स एंड लाइक यू नो ऑटोमेटिकली यू विल फील कॉन्फिडेंट हाँ जैसे कि फॉर इंस्टेंस यू नो मोदी बाकी सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए आइडियोलॉजी पार्टी मीडिया ये सब मोदी और राहुल गांधी जब क्या है सामने खड़े होते हैं तो मोदी पे ज़्यादा क्यों ऐसा आपको यू you नो know, क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है पावर ऑफ पर्सनैलिटी स्पीच बॉडी लैंग्वेज है ना तो ये सब चीज़ें हैं कई है फिर यू नो बी सटल ऑलवेज यू नो बिल्कुल एक एक तरीका होता है यू नो स्माइल बी पोलाइट रपॉ बनाइए इंटरव्यूअर से एक थोड़ा यू you नो know, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए गुड आई कांटेक्ट ये भी नहीं कि आप उनकी आंखों में ही देखते जा रहे बस लेकिन ये भी नहीं कि आप उनकी आंखों में ना देखें क्योंकि उससे तो फिर और भी क्या है इट रिफ्लेक्ट सम डिसऑनेस्टी जैसे कि आपको छुपा रहे हैं यू नो नॉर्मल मेंटेन गुड आई कांटेक्ट जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो डिस्ट्रैक्टेड नहीं, नहीं होना है नर्वस नहीं होना है कुछ सवाल पूछिए अगर आप बोलते बोलते थक गए हैं इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में या फिर जॉब आपको जो ऑफर हो रहा है उसके बारे में एक दो सिंपल सवाल पूछ लीजिए इससे क्या आपका इंटरेस्ट झलकता है और कुछ कुछ और ट्रिक्स है जैसे यू नो बेस्ट थिंग बिफोर आप इन बिफोर एंटरिंग इंटरव्यू रूम जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स लंबी सांसें ले लिए आंख बंद करके अपने मुंह पर एक छोटी सी स्माइल ले आइए और अंदर घुसिए विद अ वार्म ग्रीटिंग यू नो गुड मॉर्निंग स्माइल एंड ऑल ऑफ दैट यू नो एक और ट्रिक है कि अगर आप क्या है ज़ीरो पावर का चश्मा पहन लेंगे तो ये भी आपको एक अपियरेंस देता है सीरियसनेस का है नो सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नो मेक अ डिफरेंस और ऑल्सो क्या है इंस्टेड ऑफ़ ये चीज़ अगर आप सही में समझने लग जाए धीरे धीरे सो so आप क्या है इंस्टेड ऑफ़ लाइक यू नो इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहते हैं उसकी जगह यू कैन गाइड हिम टूवर्ड्स आप किस चीज़ के बारे में बात करने चाहते तो ये सब क्या है, है कई ट्रिक्स हैं बाकी जैसे क्या है अगर वो आपको बोलते हैं लेकिन आप तो बड़े यंग हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो काउंटर करना सीखे ये मत चुप हो जाइए ये नहीं से कि हाँ मैं यंग हूँ और बट आई एम अ वेरी क्विक लर्नर और आप यू कि देख सकते हैं कि क्या है मेरे पुराने जॉब में मैंने कितना अच्छा काम किया है तो आप चिंता मत कीजिए मैं कर लूँगा यू नो थिंग्स लाइक दैट एंड लाइक यू नो फाइनली बी ऑनेस्ट सब इंसान हैं हम सब से गलतियाँ होती है और हम सब के वी कैन नॉट नो एवरी थिंग अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है बी ऑनेस्ट और बता दीजिए ये झूठ मत बोलिए और फैफ तो बिल्कुल मत फैफ़ मतलब यानी यू you नो know, ऐसे ही तुक्के मत लगाइए ठीक है सिंपली बोलिए मुझे नहीं पता वैसे अगर कोई क्या है आपके रिज्यूमे में देखकर अगर या फिर आपके रेफरेंसेस ने कुछ आपके बारे में कुछ बुरा बोला हो और आपने सही में अगर उसमें कुछ हकीकत है तो मान लीजिए कि आपने हाँ पहले ऐसी गलतियाँ की है ठीक है एंड लास्ट बट बट वेरी इंपॉर्टेंट बी ऑन टाइम यू नो एटलीस्ट लीस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू एंड फाइनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने आपको बताया बारह मार्क्स का होगा क्वेश्चन या तो ये कीजिए या फीचर यू अगेन इसमें भी वही है या तो आपको इंटरव्यू के बारे में पूछा जाएगा कैसे क्या इंटरव्यू क्या होता है कैसे प्लान करते हैं या फिर आपको आपको कैसे प्रिपेयर करना है किसी इंटरव्यू के लिए क्या ड्रेस पहननी है या फिर आपको क्या है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी और उसके लिए आपको एक सैम्पल डायलॉग इंटरव्यू का लिखना है कि उसमें झलकना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन और आंसर्स इस तरह के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे फॉर इंस्टेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जैसे इंटरव्यू फॉर द पोजिशन ऑफ एन आइसक्रीम टेस्टर एटाम यू नो सो आई एम टेकिंग अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अचुएशन नॉर्मल किसी जो साधारण जॉब के लिए ना आइसक्रीम टेस्टर तो इसमें आप देखिए यू you नो know, इसमें क्योंकि आइसक्रीम टेस्टर का जॉब है इसमें ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शायद इन चीज़ों पर ना ध्यान जाए ठीक है इस पर हम कुछ और चीज़ें पूछेंगे अलग तरह की ये उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप ट्वेल्थ में कितने नंबर लाए इसमें कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी जैसे कि आप आइसक्रीम टेस्टर कैसे बने आपने कहाँ पहले काम किया है एंड थिंग्स लाइक दैट सो जस्ट गो थ्रू दिस इस तरह का है एंड फाइनली हैज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू या तो आप एक सैम्पल इंटरव्यू लिखिए फॉर द पोजिशन ऑफ एन इंग्लिश टीचर एट जी एस 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 गवर्नमेंट सीनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर या फिर फॉर अ सोशल मीडिया हैंडलर फॉर जी डी सी भरमौर यू नो जे डी सी भरमौर की जो सोशल मीडिया है फेसबुक पेज ये सब है उसको हैंडल करने के लिए हमें एक कैंडिडेट चाहिए और इसके लिए आप एक इंटरव्यू डायलॉग लिखिए ठीक है इधर वन ऑफ दीज इमेजिन ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑल राइट एंड गुड लक एंड थैंक यू